नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि एसूस की तरफ से एएमडी एडवांटेज सर्टिफाइड लैपटॉप जो है इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुआ था एंड उसकी प्राइस पॉइंट समवेयर अराउंड आई थिंक 140,000 के ऊपर थी। तो वहां से दोस्तों ये क्लियरली पता चल रहा था कि एएमडी एडवांटेज के लैपटॉप जो है यहाँ पे थोड़े कॉस्टली होने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि एमएसआई की तरफ से एमएसआई अल्फा 15 विद राइजन 7 एंड एएमडी रेडियो RX 6600M एक लैपटॉप लॉन्च किया गया है जो कि AMD एडवांटेज सर्टिफाइड है। यहां पे आप लोग देख पाएंगे और जो प्राइस पॉइंट है दोस्तों यहां पे काफी ज्यादा मैं कहूंगा एग्रेसिव यहां पे रखा गया है। जिस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों ये प्रोडक्ट आप लोगों को मिल रहा है वो भले ही आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन दोस्तों स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है ये वाला लैपटॉप जो है मैं कहूंगा स्टिल एक वैल्यू किंग यहाँ पर बन जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, फॉर दोज हु डोंट नो, AMD एडवांटेज सर्टिफिकेशन क्या है। ये सेम दोस्तों आप लोग मान सकते हैं कि इंटेल ईवो का जो लोगो होता है वैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ये AMD की तरफ से आता है और कहीं ना कहीं एक गेमिंग साइड को जो है यहाँ पे दिखाता है, जहाँ पे आप लोगों को अच्छे थर्मस देखने को मिलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा जो है आप लोगों को कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो कुछ भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है गेमिंग के एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए चाहिए वो सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एनीवे फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। मैं ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहूंगा और दोस्तों कुछ बजट लैपटॉप्स की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अब वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 144Hz कि जो है यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि आप लोगों को 72% NTSC कलर गैमोट के साथ में आपको देखने को मिल जाएगी। बाय द वे दोस्तों, इट्स एन 15.6 इंच पैनल। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे और कुछ चीजों की, जैसे कि ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाएगा। SSD कैपेसिटी दोस्तों इन्होंने काफी ज्यादा अच्छी रखी हुई है, 1 TB की फुल फ्लैश्ड सुपर फास्ट SSD आप लोगों को देखने को मिलती है। 16GB की जो है यहाँ पे रैम आपको देखने को मिलती है जो कि आगे चल के जो है आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों मैं यहां पे इसके ग्राफिक कार्ड की, तो यहां पे AMD की तरफ से देयर न्यूली अनाउंस्ड 6000 सीरीज का सबसे दोस्तों आप लोगों को बेस लाइनअप वाला मिलता है AMD Radeon RX 6600M जो कि 8GB का मेमोरी कार्ड यहाँ पे है। प्रोसेसर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। दोस्तों अगर पोर्ट सिचुएशन की बात करूं तो दोस्तों आप लोगों को यहां पे एक तरफ जो है दो टाइप ए पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, दूसरी तरफ आपको दोस्तों यहां पे एक पोर्ट मिल जाएगा HDMI पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट और दोस्तों एक USB 3.1 पोर्ट आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों आप लोगों को यहां पे ऑडियो जैक पोर्ट भी देखने को मिलता है और आपको जो है यहां पे ईथरनेट पोर्ट भी देखने को यहां पर मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों यहां पे जो है पोर्ट सिचुएशन के मामले में कोई भी बिल्कुल यहां पे कटौती नहीं की गई है। वेट भी आप लोगों को जो है कंपटीशन के लगभग जो है 19 BC देखने को मिलेगा, दैट इज 2.35 kg। यहां पे मुझे दोस्तों सबसे अच्छी चीज लगी इसकी जो है यहां पे प्राइसिंग पॉइंट, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इस प्रोडक्ट को ऑफर करना दोस्तों कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्टिल आगे चल के जो है आने वाले जो भी AMD एडवांटेज लैपटॉप्स होंगे कहीं ना कहीं थोड़े एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे भी आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों कि बैटरी साइज में कटौती की है, यहाँ पे आप लोगों को 90 Wh की 4 सेल वाली फुल फ्लैश्ड बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि आप लोगों को जो है काफी अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है अगर आप इसमें यहाँ पे गेमिंग भी नहीं करते हैं। तो डिजाइन के बारे में बात करूं दोस्तों तो पर्सनली यहाँ पे मुझे उतना इंस्पायरिंग डिजाइन नहीं लगा जितना कि बाकी दूसरे लैपटॉप्स देते हैं, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट एंड व्हाट इट इज ऑफरिंग फॉर दिस प्राइस पॉइंट मैं कहूंगा डिजाइन जो है यहाँ पे थोड़ा मैनेजेबल है। आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड।